पहरे में पद्मावती पुलिस सुरक्षा में रिलीज हुआ 3D ट्रेलर। नहीं आए भंसाली, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए आज मुंबई में फिल्म से जुड़े एक इवेंट के दौरान भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया। इस दौरान दीपिका पादुकोण तो आई लेकिन भंसाली नहीं। मुंबई में आज पद्मावती का 3D ट्रेलर लॉन्च हुआ। किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे और उस अंधेरी में मल्टीप्लेक्स के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात नजर आए। इस कार्यक्रम के लिए पहले भंसाली को आना था और स्टार कास्ट को इवेंट से दूर रखा गया था, लेकिन इन मौके पर भंसाली नहीं आए और उन्होंने इसके लिए खेद भी जताया। भंसाली की गैर मौजूदगी में रानी पद्मिनी यानी दीपिका पादुकोण वहां पहुंची और फिल्म से जुड़ी बातें बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पद्मावती की रूह हम सब में मौजूद है और इस फिल्म को उसके मुकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। भंसाली की पद्मावती चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी की जीवन और उस कालखंड की कहानी है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के पद्मावती रूप पर मोहित होने, महारावल रतन सिंह और खिलजी के बीच का युद्ध और रानी के जौहर को दिखाया जाएगा। लेकिन श्री करणी राजपूत सेना ने शुरू से ही फिल्म का विरोध कर दिया था। इस कारण राजस्थान और महाराष्ट्र में सेट पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। देश के कई भागों में अब भी फिल्म का विरोध जारी है। भंसाली की पद्मावती में दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, अदिति राव हेडरी, सोनू सूद और रजा मुराद जैसे सितारे हैं। फिल्म इस साल 1 दिसंबर को रिलीज होगी। पैरामाउंट क्लासिक ने इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड रिलीज की जिम्मेदारी ली है।